ये PK-47 न्यूज़ इमरान कराची, ये टैंकर माफिया है। ये एयरपोर्ट बागोबार के सामने खड़े होते हैं, सच्चल होटल के आगे। ये देखें ट्रक खड़े हैं, ये आप देखें, ये 12 बजे के बाद का टाइम है इनका चलने का। ये दिन में एयरपोर्ट वाले एरिया से भी निकलते हैं और वो टैंक चौक से भी निकलते हैं, इससे क्या एक्सीडेंट का बाइस बनते हैं ये। और ये मतलब अब इसको कोई बोलने वाला नहीं है, अब ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछो तो वो बोलते हैं कि हमारे ये बड़े बड़े वो कोई किसी के बड़े उससे ताल्लुकात होते हैं, कभी किसी से ताल्लुकात होते हैं, कोई कर्नल का रेफरेंस देता है, कोई किसी का देता है। तो पाकिस्तान में तो ये सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए ना। मैं कहता हूँ कि अपनी हुकूमत को कहता हूँ, इमरान खान साहब को, आपने बोला था कि हम गवर्नर हाउस ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ पर पार्क बना देंगे, ये बना देंगे, तो ये सारी चीज़ों पर भी कंट्रोल करें ना। देखें कितनी सारी बाइकें हो गई हैं, कितने सारे वो हो गए, आए दिन आप सुनते होंगे टैंकर के से हादसा हुआ है। ये दिन में भी चल रहे होते हैं, सुबह से शाम तक चलते हैं, अभी इन्होंने रोके हुए। अब ये 12 बजे का टाइम है, दिन में ये सारे ट्रक चलते हैं, सही है ना। आप, मैं कहता हूँ सर, मैं आला हुकाम से बोलता हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए, और हमारे एक्शन लेने से ये आप एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस पर एक्शन लें। और हमारा माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, ये सारा रिश्वत पे बाजार चल रहा है, और नाम बड़े बड़े कभी बड़े बड़े लोगों का इस्तेमाल करके शेर की शक्ल दिखा के इस्तेमाल करते हैं। ये मसला ये है कि ये कोई इनका जानने वाला नहीं होता, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। जो भी है आप इस पर एक्शन लें। मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ कि मुराद अली शाह को, ये आप लोगों के नाम यूज़ करके ये सारे काम करते हैं, कि आप इस पर एक्शन लें। PK-47 न्यूज़ इमरान कराची, अल्लाह हाफिज़।